तुम्हारी तबीयत हो तो थोड़ा जी अमन पड़ गया। तखलीक हो तकवीन हो आफरीने से आदम तू 50,000 साल पहले चरखे चारों ते चौथे आसमान ते अल्लाह फरिश्तों का काबा बना के उनका नाम बैतुल मामूर रख। क्या सुने, क्या नाम रखे, कितना बनाया आसमाने चार चरखेरा पूरी इमारत बैतुल मामूर दी सुर्ख याकूत नाल 70,000 मलक 24 घंटे इसका तवाफ कर गए। जेड़ा एक दफा कर गिने फिर तवाफ की इजाजत नहीं। मेराज वाली रात इसे फरिश्तों के काबा तेरे रसूल सारे नबियों को नमाज पढ़ाई। फ़ज़ाइल मसाइब की कमी कोई नहीं, रजे बैठे हो तो मेरी हाजिरी थी गई आप कदरी तो नहीं वे तो रखा है भाई। जी हाँ भाई पूरी तवज्जो हूँ ये सासरी मामना बोलते नहीं यार गौर नहीं फरमाया ठीक रसूलों को नमाज पढ़ाई है मजलिस बेदार फिक्र लोगों वास्ते होंगी है साहिबान बसीरत वास्ते होंगी है। आले मुहम्मद का मेहमान बन के आया कुछ उन्होंने इरफान दे मोती के लिए किस वास्ते होंगी अगर मुल्लां दा मुंह बंद थी वने लोगों के ईमान अकीदे में फूल ये मकसद है मजलिस तवज्जो रखा है। रसूल ने बुराक छोड़ के फरिश्तों के काबिज अंबिया को 2 रकत नमाज पढ़ाइए अंबिया को पढ़ाइए तेरे रसूल सलाम फेर के उठे ही हैं सर चवाए मरदम खेज खिते दे लोग बैठे तुरिया सुलबा ते विलाय अली दी मोर नक्श क्या सुना वे तुहाडे असलाब ते विलायत अली दी मोर नक्श। हुण मेरे कोल एडा वक्त नहीं जो मैं लफ्ज़ी बोलां ते माने नाल करांदा रहां। जिबरील सामने आके सलाम कीते या रसूल अल्लाह अल्लाह दा पैगाम वसूल करो हुण है जी आ ताज़ा ताज़ा क्या हुक्म है केड़ी आयत आई है 5वां पारा सूरत ज़ुखरुफ दी आयत मैं लफ्ज़ बोलना पे तो महफूज करके ना कुरान मौजूद है वस अल मन अरसलना मिन कबले का मिन रसुलना कुरान पढ़म आयत पढ़ी 5वां पारा पढ़म सूरत ज़ुखरुफ पढ़ी जिबरील आदे अल्लाह पे याद है सारे नबी हैं तेरे सामने जमा इन्हें को कसम चवा के पूछ जो मैं अल्लाह इन्हें को नबूवत क्यों दी। शाबाश मजलिस संजीदा पैगाम का नाम है मिंबर मदानत का नाम है मिंबर शुस्तगी शाइस्तगी का नाम है। तवज्जो भाई मिंबर एक अच्छे रूहानी इल्मी इरफानी माहौल रंग रोटी गुजार के बाद आमन का नाम है।
तवज्जो रखा है, अली वाले बेइंसाफ नहीं हो सकते। अली वाला तो ज्यादा अंग लंगूठे दे फर्क दा कैकू पता लगता है। कुरान खड़ा पढ़ता खुदा वास्ते, बच्चा का ईमान अकीदा महफूज कर, ईमान है भी तो निजात है। पंजवीं पारा सूरत है ज़ुख़रुफ़, पूरे कुरान की पहली ते आखिरी आयत है जी आसमान से उतरी है, बाकी सारा कुरान जमीन के उतर एक ही तो आयत है जी आसमान से उतरी है, मेराज वाली रात कि मेरा हबीबी ने कोल पूछ नबी की में बने तेरे रसूल दा पुर ज़ियाओ पुर नूर और जमाल अराचे। लफ्जा कोई को वजन करे थे या सड़ चुड़े थे कि खाई नबियां दे पासे फिर गए रसूल बोले अजो हल अंबिया ओए नबियो सरदार है ना अलाम बैस तुम नबी कैसे बने हो बजाय इसके जो एक एक जवाब दे वे मिन जुमला सारे बोलें अव्वलन अकररना बे वहदानियत सब तो पहले ऐसा अल्लाह दी गवाही दी है सुम्मा अकररना बे नबुव्वत का या मुहम्मदो फिर ऐसा मुहम्मद और रसूलुल्लाह पढ़े सुम्मा अकररना बे विलायत अखी अली इब्न अबी तालिब तफसीर साफी हिक तफसीर बुरहान डू तफसीर मीजान त्राए बैठे हो चले गए हो तफसीर अनवारुल कुरान चार तफसीर अनवारुल नजफ पन पहली पहली उर्दू जुबान दी तफसीर चंगे चंगे इलम दे मुद्दइयां कोई नहीं पता उर्दू जबान पहली कुरान दी शिया दी केड़ी तफसीर है तौज़ीहुल मजीद। अक्सर लोग उमदतुल बयान को उर्दू की पहली तफसीर समझते हैं मौलाना अम्मार अली साहब भी जबकि ये बात दी है तवज्जो है सारिया इन्ह शिया तफसीर की जमानत नाल मासूमीन दे अहदीस की रोशनी पढ़ता खड़ा आदम तो इस हद तक नबी पया दिन पहले अल्लाह की गवाही दी से फिर मुहम्मद की गवाही दी से थोड़ी फिर थोड़े भिरा अली दी इन त्राए गवाहियां की अरबी बनाओ क्या बनती है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मैं कोई यूनान का फलसफा पढ़ता खड़ा मैं कोई अरस्तु की मंतिक पढ़ता खड़ा आदम नूह ईसा मूसा एकौनन बोलो यार नबी हैं कोई शक है मोहल्ले में बशरियत हैं हादी है इंसानियत हैं मिन जाने बिल्ला हुज्जतन आदम तो ईसा तक हे कम सब लख नबी हे कम 313 रसूल अली दी विलायत दी गवाही न दे मिन अल्लाह उन्हां दी नबुवत कबूल नहीं करेंदा तेरिया दू रकातां अली बगैर कीवें कबूल करदा हाथ बुलंद करके मुल्ला मार नारा है हैदरी मोहब्बत है तुम्हारी मेरे तो घर इतनी मोहब्बत शौक नाल सुन दो तो बनावट की डाह ही नहीं आई पूरी अलविया कसमिया पर तवज्जो है मेरे मजाल बिल्कुल होमनी नहीं चाहिए जाती बनावट की नहीं आई बे बंदे को चक्कर देव की कितों डा कर गौर फरमाए भाई इल्म दोस्त अहबाब कि पहले ऐसा अल्लाह की गवाही दी थी फिर रसूल दी फिर केड़ी केड़ी किताब दे तफसीर दा इनकार करे सन कुरान दा इनकार करे बस कर लूँ तो मैं एक हदीस सुने ना बड़ी बिल्कुल नई हदीस है चंद अयाम पहले मेरे मुताले चाहिए बस कर तकलो तू कम ना गीता करो आग नहीं करो थक गए दे बिल खुदाई
ये लफ्ज इवें अदा करा जिमें हूँ सुना ही है। दे बिल खुदा दाल दे तले जेर है, बे दे तले जेर है, इनके उत्ते जज़्मे दे बिल खुदाई खुदाई कबीले दा आदमी है। ये अठवीं सरकार दा मखसूस मद्दा है। सामिन दामिन इमाम रिदाद संजीदा गाल नहीं पसंद करेंगे हो या थोड़े क्या दसा मैं कितना करीम है खानदान। जो कुछ भी होवे दे बिल बशर है, बशर है ना सही, आलिम है, फाजिल है, कमाल दा मद्दाह ते शायर है। ला इलाह इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह मजालिस मतानत माहौल कायम करो। एडे वड्डे कसीदे ते मरसिया लिखदा जो इमाम इंदे कसीदे ते मरसिए च अपनी तरफ शेर शामिल करे। दे बिल क्या बात है तेरे कलाम दी, ये शेर मैं लिख के तेरे कसीदे च। इकू इल्मे उरूज ते शायरी ते सुखन दी दुबान चा दिन तजमीन लगाना। सारिया कई परत हाले खुलिया ही नहीं, यानी कहें दे कलाम च उन्दे जिमने च जैले च उन्दे काफिए च शेर इकू तजमीन लगावना। क्या सुन दे बैठे हो यार, मैं करोड़ सलाम करें नहीं आले मुहम्मद दे मदाक हूँ जिन्हें दे कलाम दे विच अल्लाह दी हुज्जत ते अल्लाह दे इल्म दा मजहर इमाम तजमीन लैंदा। कोई नहीं वेदाद रीति जी में जुमला हा मुश्किल गाल है ना, रिवाज ही नहीं ना गाली दा। तवज्जो, वैसे बंदे आसान पसंद होंगे ना सहल पसंद ही होंगे। सरैकी बैल दी सुस्ती तो मशहूर हो, पंजाब किथे ही लगा के सारी जिंदगी उठा ही अद्धे ते अद्धी अज गुजर दी कोई। रिश्ते की मिठास ढेर है नजारे में, लुत्फ किन्ना बेलू दो। दे बिल हिकले कमरे सर्दी की रात कसीदा बैठा लिख दे बगैर दक्कल बाप किते कमरा खुल रहा है। हाई भी बंद कुंडी अंदर लगी हुई है, अजनबी आदमी अंदर आए। दे बिल हैरान थे, दरवाजा बंद है, मैं खोला नहीं, दक्कल बाप नहीं दिया, उपरा अजनबी आदमी कौन है। आवन वाले नए मेहमान दे बिल की परेशानी देख के समझे, अरे घबरावन की जरूरत नहीं, जिन्ना ते थोड़ा पीर भाई है। चलो मैं अगर तक शामिल करूँ जन्ना मुताले हदीस सामने आई है शिया किताबन तो मैं जिन्ना दा फरदा अना फर्द में नफराव दिल जिन तो मैं जिन्नात का एक फर्द और हाँ थोड़ा पीर भाई मोमे ना शिया मलंगा। तवज्जो गौर फरमाए ते मैं ते कु दाद दे मनाया जेडे इमाम रिजा दे कसीदे लिख दे। क्या सुने वे? अच्छा वैसे ये सच्ची गाल ही वे, असन नालायक लोग हैं, नाकिस लोग हैं, सारे पीछे लखा युव मासी हैं। ऐसे उलमा और शिया जाकरीन को मैं जानना जिन्हें यह मजालिस जिन सुनने हैं, मैं सकलेन घलू जान दूँ। मैं कोई उन्हें वास्ते कुरान चावना पवे तो मैं कुरान चाह के आखन वास्ते तैयार हैं जो जिन सुनते हैं। तवज्जो है सारे हबाब दे, कमजोर लोग हैं यार, थोड़ी मेहरबानी है सुन गिंदे, मैं पूरी तवज्जो गौर फरमाए। अच्छा इन नस्लन शिया हैं या खुद थे? वो आखिर नहीं सही, प्यो दादा मेरा शिया नहीं, मैं थे हैं शिया, जिन प्या दे मैं थे हैं पहली नस्ल ही मेरी। शाबाश शाबाश शाबाश, क्या डिठाई, क्या सबूत मिले जो शिया थे अरे मोहम्मद हुबदार बने वहाँ के ऐसा जिन आसे ते मरेंदे आसे डाक के लोगों को तकलीफ पहुँचाएं दे आसे। तवज्जो है
ਜ਼ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਆਨੇ ਐਨ ਕਰਬਲਾ ਅਸਾਂ ਰਿਠਾ ਹੀ ਕੱਲੇ ਹੁੰਦਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰੂੰ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਈ ਅਸਾਂ ਜਿੰਨਾਤ ਨੇ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤੇ ਜੋ ਜ਼ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੂੰ ਅਚਾਨਕ ਅਸਾਂ ਰਿਠਾ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਦੇ बतौर जवार बन के काफले शामिल थे पूरी रिवायत करबला है नजफ है ज़ियारात कीते से काफला ज़ियारात करके ते मक्का मदीना गए जिन्ना दिन असई नाल याद है जेड़े मदीने रसूल दी ज़ियारत करके असा सारे जिन्नात मोमिनीन समेत अफराद बशरिया समेत छीवीं सरकार दे दौलत कदा दे गए हैं अदे अब जद दी मसनत जलवा घर है कायनात की फसाहत तो बलागत तलाकत सलाकत जमा हो के लबे इमामत दे बोसे गिनाने च मसरूफ है सदके सदके तवज्जो गवाओं से असरार इलाही बहरे मारिफत शनावरी कर रहा है इमाम की जुबान क्या है कायनात के उलूम हैं असं बह के छीवी सरकार का खुतबा सुना ते देबेल जेड़ा छीवें इमाम खुतबा दिते ते मैं जिन सुना हा उन्दे दू लफ्ज में ते गुड़ सुना है ते देबेल मेरी तरफ तोहफे कर महफूज गिने हुन तुहाडा मूड होवे तो वो मैं बंद इथा ही छोड़ी वैसो इमाम बरगा या पले बदी वैसो पक्की गल है थोड़े बंदा दा मूड है नेमन ते भाई दोस्त तो क्या सरकार फरमा रहे जिन प्या थे दे बिल मैं खुद सुना है छीवें इमाम को छीवें इमाम फरमाया मेरा नाना मोहम्मद फरमा गए जब तक मैं मोहम्मद जन्नत न वैसा कोई नबी जन्नत न वैसे वक्त है जब तक अली जन्नत न वैसे कोई वसी जन्नत न वैसे त्रीजे नंबर ते फरमाया कोई उम्मत जन्नत न वैसी जब तक पहले मेरी उम्मत जन्नत न वैसी देबेल छीवें इमाम फरमाया मैं कुछ कसम है अपने नाने मोहम्मद दी मेरे नाने मोहम्मद फरमाया मेरी उम्मत ते चुई सिर्फ उहे लोग जन्नत च वैसे जेड़े मेरे बाप बिला फासल अली दी विलायत दे कायल हो पेट्रोल खत्म बस यार दिल्ली नहीं दी गई यार बेबसी ऐसे नहीं था गुफ्तगु करना हल किया कर कड़े राके राले उनका दिल नहीं थी दाद मिले दाद भी मिले लेकिन पब्लिक का फायदा भी तवज्जो है मेरे बयान के पंडी साल हो गए किताब पढ़ने में पहले त्रै चार साल रिवायती जाकरी दे हैं क्योंकि बंदा जी मेरे दे वो कम करें दे ना ये शऊर है मैं फिर किताब पढ़नी शुरू तवज्जो रखा है भाई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लियो वल्लाह बिल्लाह सुम्मत त्रीजी दसा कसम ही कोनी तुहाडे मदद पंजी साल दे मुताले दा निचोड़ अरक रेवी दा जौहर सोन दे दीवे बाल के रत जगे कट के जेड़े मोती गोलन तोरी नजर तवज्जो रखा नहीं
मैं लोग गल करें दाखिल कहते कन्न च सरगोशी करें दाखिल मैदान गल करें वो आवाज तो लफ्ज परे की गल है हूँ तो चेहरे के जाविए ही महसूस थी पेंसल मूँह किमें बनता पे तवज्जो मूँह कितना खुलता पे और नहीं बन पाया सलवटा महफूज होंगे पे शिकन बल महफूज होंगे पे पे करोड़ों साल अल्लाह तू जिंदगी मंग सिर्फ तहकीक कर तो करोड़ों साल के बाद इसे नतीजे ते पहुंचे जो कयामत तक पूरा दीन इस्लाम अली दा मकरूज है। त्रेठ साल रसूल की जिंदगी कितनी फिगर ठीक महफूज किते करो कैलकुलेशन ठीक रखी करो कितनी 23 साल अरसे तबलीग 13 साल मक्का 10 साल बोलो तो यार गाना सुन देगी हूँ तो रोशनी का जमाना ही क्या तवज्जो रखा इल्म दोस्त बस 63 साल रसूल की जिंदगी 23 साल अरसे तबलीग दीन इस्लाम ते सब तू औखे वक्त ही सत्त आए और सत्ता दे विच दीन को मुश्किल चू कढ़न वाली जात दा नाम अली चैलेंज में रहे इस्लाम के 73 फिरके मेरे मुखातब है नहीं जुमला च सिर्फ तशैयो नहीं शिया नहीं 73 फिरका को खिताब कर रहे हैं मैंने इस्लाम अली द मकरूज अली द मदयून मदयून आदि जो उधार देना अली दाइन इस्लाम मदयून अली कारज इस्लाम मकरूज अली मोहसिन अली ममन इस्लाम महसूम ममनून तवज्जो रखा कयामत तक इस्लाम अली दा ममनून है लुत्फ गिनो तो अगला जुमला या खा जी मैं कयामत तक इस्लाम अली दा ममनून है ई मैं कयामत तक कायनात दी पूरी इंसानियत हुसैन दी ममनून है दादा दे दे सच्ची मैं दे महसूस कर फितरत जो कहीं चीज़ का नाम है नेचरी जो कहीं शायद नाम है पर मोहब्बत नाल सुन गिनना बावजूद सैकड़ा इनकार दे बार बार आखना जो पड़े थोड़ी मोहब्बत ही है वैसे मैं अपने हिस्से का जोड़ा आई ना पढ़ाई का वो पहले तो गुरज के सुनाई बदा मैं 15 साल तो पढ़ाते मुसलसल तवज्जो है मेरे बकाया कोई नहीं थोड़ा गौर फरमाया इल्म दोस्त नए नए जाकिर बाहर दे जाकिर कहीं आने शौक नाल सुना रजा के पढ़ाया असं तो कर दें कह दिन घर की मुर्गी दाल बराबर जेड़े ले मिठे मुँह नाल सदे सो कमले ते सादे लोग हैं प्यार आले फौरन आवे इस्लाम अली दा ममनून इंसानियत सारे बोलो तो गला जुमला आखा इस्लाम ममनून अली इंसानियत ममनून हुसैन नाराज न थी में गलत गाल होवे इस्तेदलाल कसा होवे तो उठी के बोल पवे अखलाक की जरूरत की करो मजहब के मामले तकल्लुफात दुनियावी मामलाते चल दिन दीन च नहीं चलते दीन च बस डू ते डू चार होंगे न वधे न घटे क्या सुन दे बैठे भावे मैं ते भावे कोई हो गए नाराज न थी में अली की वजह तो होंगे कलहो का इंतजार न कर हूं थी वन इस्लाम इंसानियत हुसैन दी ममनून जेड़ा बंदा अली को भौके वो मुसलमान नहीं हो सकता जेड़ा हुसैन को ना पहचाने वो इंसान नहीं हो सकता पिछले बंदे नारे च नहीं बिरलते पे कंजूसत करने पे होता है।
चार अंश भी नखी है या कोई ना थक गए हिन मेरी खातिर नाम है कि हसीयत आदमी है हसीयत तो हुसैन के मुआवे न जिक्र की हुरमत वास्ते अगर जनाब की तबीयत हो तो मैं रू लफ्ज आखा जा बार बार इसरार करने दो मसाज का तवज्जो रखा है कमी तो है नहीं कोई था तवज्जो भाई सच्ची जिंदगी का बड़ा लुत्फ ही वे शर्मिंदगी कि नहीं थी यार मैं तो कभी जोड़ी खड़ा है सारा मजमू तवज्जो रखा है भाई हाथ बन गए थे मैं बोला घंटा चाहिए उनके वास्ते एडा सुरीला तो मैं ना जो भाई कोई तमीज ही न हो तो सौ नाल बगरू आ गए ना ना सब थोड़ा जहा ग्राउंड मजमून बनावना पौधा जाकरी की तबाह को समझे पा हाँ जिया जिया जाकरी को समझना पवा है और तुसा यकीन कराए हुसैन दिया करीमिया देखो वातुक सांस यार लंबा थी वे मुला जो सीखते वे होंगे मजमा गोलन वास्ते ये जड़ी शायरी सिनफ है ना जो डोढ़ सड़े तो पत्ते की गाल दसा जितनिया भी शायरी दियां बहियां किस्म हैं डोढ़ा सिर्फ हुसैन की आजादारी है चार मिसरे हुसैनी बंद डोढ़ा ये न अरबी च न फारसी च न सिंधी च न हिंदी च सारे जाकिर गवाई देगा सारे जाकिर ये सिंधी जाकिर साडा मजमून सिंधी ढाल के पढ़ते हैं लेकिन जरा डोढ़े ते आसे डोढ़ा तो सिंधी च है कोई ना डोढ़ा सारा सराकी पढ़ते हैं पता नहीं मैं ईटा में तो कितनिया गाली दसा चुका एक डोढ़ा एक पास है घंटे की पढ़ाई एक पास उडवी मेरे हाथ तंग होया कौर नहीं फरमाया हो तो मुला की रही है बत मैं को घंटे की वला तम ही चाहिए हूँ मेरी थप पहुंचा करा भाई कबूल करो चाहे बात भाई पूरी तवज्जो ही मुझे ये भी पता नहीं मैं कि मौजू वाले पास आया इस्लाम कयामत तक अली दा मकरूर इंसानियत कयामत तक मैं वास्ते गाल की दिन जैसे चुप कर वन तवज्जो भाई हुसैन दा मकरूर इस्लाम अली दा ममनून इंसानियत हुसैन दी ममनून ठीक है कोई शक शुबा कहीं हवाले की जरूरत अच्छा एक दफा मैंने लफ्ज़ दोहराओ मैं त्रीजा लफ्ज़ रखा इस्लाम अली दा ममनून इंसानियत ठीक है सारे मजमे की आवाज़ नहीं रली इस्लाम कयामत तक अली दा ममनून इंसानियत ठीक है हम त्रीजी गाल का जवाब दी भाई थोड़ी जिंदगी गुजर गई है मजले से हुसैन भेण दा ममनून सलाम इन भाई तवाकू सलाम इन दुआ हथा दे सलाम इन सदके थी वहाँ मैं अपनी जात को माइनस करके मजलिस पढ़ता हल्फिया कसम अगर मैं जात को माइनस ना करा तो मैं भी कमजोर सहारे गिन सकता मतलब घर रात के लोग गाते डेवे काशे ना तेरे रोज हो सकते ला इला 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 मुहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम मैं उन्होंने नस्ल ते लानत भेजी एक इो तदार है जिथे बंदा खालिस आवे जै बगैर इतें ही फराड करने उनके जीवन ते लानत मेरे सामने ढेर बंदे बुड़क दर सही फिलाने को नहीं फिर समझे थे तू सही जरूरत की करो लोग बुरे नहीं होंगे मुआशरा चशम पोश रियायत का खाना वसी करके उन्हें को ताकतवर कर नाराज हो गए मेरी गाल तो कोई नहीं पता इन्हें सारे हालात वाकया कूड़ा नहीं गाल मैं सदके थी पोमा इस्लाम अली दा ममनून
इंसानियत हुसैन शाम अली भेण पूरी जिंदगी थी अली दी कदे ही कहे को किथाई नाने दा वास्ता नहीं दिता अली दी थी आई बाबे दी जिंदगी तो जरूरत कोई ना वसदे भेरावां दे टाइम तो नाने दे वास्ते दी जरूरत ही कोई ना कर बला तो कूफा कूफा तो शाम कम अज कम 1400 मील ज्यादा तो ज्यादा 1600 मील दुनिया दे जितने दुख हैं ना इन सफर च मेरी सैन के कट्ठे आते हैं अलम दी कसम है किथाई ई सैन नाने दा वास्ता नहीं दिता शामियो एक झा ते दिता जना 15 बांगा सुन के फारिग थईए ना ते शाम दा दरवाजा खुले ते धी अली दी डिठे 7 लाख गैर महरम दा मजमू ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह थई तड़प के आदिए शेमर थकु वास्ते मेरे नाने मुहम्मद दा मैं को ई रश तो बचाओ कोई उंगली च घिन मनो नी त भीड़ तो शाबाश 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 रश तो बचाओ क्या सुना वे ये सच्ची गाल है कि हुसैन बगैर धर देने देते सर कुरान पढ़ के अपने एजाज दस ये सच्ची गाल है कि हुसैन अपने एजाज जाहिर करन वास्ते लेकिन यही मेरे अलमा के हाथ है अपनी ताकत जाहरी करना चाहता हुसैन ते वड्डी वजह ये है जिथा हुसैन देखते हैं इन्हें जो रश वध गए नेरे ते कुरान पढ़ भाई लोग मेरे कुरान दो तवज्जो करे सन अल्लाह के परदादारां दा परदा माफ हो हाय 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 बख्शे जोगियां आ गईं हैं क्या अपनी मजलिस को मजबूत करो मैं मजलिस से पाकीस की गिर लो इमकानी हद तक पाकीदा सोचा नाल पाकीदा जिस्म ना लाओ इमकानी हद तक वजू ना लाओ पा बराह ना हो सर बराह ना हो गरेबान चाह पाओ खुले कफा ना लाओ कोई समझ आती पी है मैं क्या तेरी कौम की तामीर करें रब की कसम है जब धी अली दी शाम च मजलिस पढ़ी है उतें ही बेबी फिक्र कायनात दे दर्द में कुर्बान कर शाम दी औरत दीवारों नाल टकर मार पता क्या कभी कैद मुक्की है ना पहला लफ्ज आखा शाम दियाँ वसदियाँ वतन पी वी आखिरी गाल करना चाहनी है पहले दी आई हैं ना साल पहले बहु रशा थोड़िया झोलियाँ मसरूफ हैं बीबी आदि हो सकते रश की वजह तू कहें औरत की कोई हसरत रहे रोवो ना यार सारे रोवो ना यार पर इसरार दे तो मैं लूला दादा पे मैं पत्थर मारो मैं जलन वास्ते हाल क्या सुनिए मेरे हैं कदन छुट्टी है इसका जी कदन छुट्टी है सही ठीक आते बैठे हुए मैं आखिर ना तू थक गए साल बाद ठीक है चलो साल बाद अगर ही क्लास मैं तो आपको सुना देव तो दुआ करे सोचा तदा कैद छुट्टी है जदा पहचानन के काबिल नहीं क्या शाबाश 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 चूंकि जुमला मशहूर हो गया सारे पढ़ने वाले अस यो जुमला पढ़ते हैं जो भेण हुसैन की पहचान के काबिल नहीं रहे सच्ची गल मगर अलमत मेरे हाथे सामने अलम इशारे तो हाथे हिक सैन नहीं जेड़ी जेड़ी शाहजादी शाम जिंदा वतन ते वली कोई भी पहचान नहीं काबिल एक जिगर का सेक तुरे नाल साझा करा जिगर के सेक का भाईवाल बनावा तो रल दे बन दो भाईवाल सारे रल सो तो जेडे वलियन
शाम दी औरतें ना पहचाने ना, मदीने दी औरतें ना पहचाने ना, बीबियां दसे ना मैं अकबर दी माँ, बस वो एक दफ़ा देखे ना गौर नाल पहचान मैंने ना बीबी सको माफी रही असं तो सुनाता नहीं तुम वल्ले ही हो जे रंग मैं फजल दी माँ हाँ एक दफ़ा बीबी आखे ना औरतें देखे ना पहचान मैंने ना बार बार क्यों कसम चाह के कब सुन कमजोर करें हर बीबी एक दफ़ा आखिया मैं फुलां हाँ मदीने दी औरतें एक नज़र देख के पहचान मैंने ना जड़ी रुली हुई असगर की मावली है नी बीबी को कई घंटे तसलियां दे के अपना ठंडा सुनो मैं असगर की माँ शाबाश शाबाश जींदे रहो जींदे रहो लफ्ज होंगे लफ्ज होंगे शाबाश शाबाश कबूलियत है यकीनन यकीनन कबूलियत कई घंटे बीबी को तसलियां देवनियां मदीने दिया वसदियाँ मैं असगर दी माँ हाँ मैं बिनते इमरा शाबाश 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 बस मैं मुका भी दिया मुका भी दी वक्त सदके थी पुमा पूरी जिंदगी बिनती अली दू मौक मौत मंगी ये लफ्ज आखने सौखे अली दी शेर दिल धी वास्ते लगता अल्लाह की कसम है जी 72 की लाश खड़ के एक लफ्जा दिए मालिक राजी है तेरे दीन की बका वास्ते जेड़ा कुछ है बिनती अली को सारा फरमान यार कौन कौन बीबी के हौसले का अंदाजा कर बशर बयान कर सकते नहीं कर एडे हौसले की मालिक बिनती अली दो दफा मौत आप मौत मंगी है एक दफा दरबार जदीद जेले ही कुत्ते आखे नशे की हालत कितना खड़ी है अली दी धी में बोलना चाहता उसले बीबिया दिए या लैतनी मित्तो काश आज मैं मर गई मैं अरबी के लफ्ज की पढ़ी करा को यकीन आवे जो रिवायत दूजी दफा मौत सावरे घर मंगी तो मैं सदके थी मदीने जेड़े ले सतारनी भिरा दी हवेली गुजार के शौहर दे इसरार ते सावरे घर वली है ना गई लफ्ज जरा थोड़ी जी हिंद मुश्किल मगर बेबसी है महसूस न कराए माफ़ी पहले मंगना खड़ा जनाब अब्दुल्ला सामने आए सैन बैठे तारीख आदि सरकार ने अपने पाक हरम को पहचाने नहीं गोश दे दिल वे ना सीने गोश दे दिल न अजादारी की घुटी मिली है ना तो पहले डूड़ीहाड़े मजलिस न हो तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थे मोबाइलों से पूछते यार मजलिस डूड़ीहाड़े थी करनी थी यार कैसी बस्ती है कितना मजलिस है कौन कौन पढ़ता पे इवें गल है यार ये किवें हो सकता इन्हें दुखों से तेरी इबादत नहीं थी ये तो हो ही नहीं मैं तो सोच ही नहीं सकता जी जनाब अब्दुल्ला आए डिठा ने सैन को अपने वेड़े शाम चोली हुई मगर पहचान नहीं सकता मैं 12 साल मकतल दी किताबों से गुलेंदा रही क्यों नहीं पहचान सन थके चाचे का पुत शौहर नामदार अरसे पौने दो साल दा भला होवे अलामा गुलाम हसनैन कंतूरी दा उन्हें लिखे वजह ये है अली दी धी जदा शाम च वलिए लिबास उहो है जेड़ा 2 साल पहले मदीने चुका पंद किते सफर किते बाजार च गईए खुतबे पढ़े दर शाबाश 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 लिबास इतना बोसीदा हो चुका है ये मैं बोसीदा लफ्ज़ फारसी का खुद इस्तेमाल किया क्योंकि कमज़ोर लोग लफ्ज़ मुनासिब नहीं ना हस्तियों वास्ते पर्दे च रख के मैं लफ्ज़ इस्तेमाल किया लिबास पुराना ये भी मैं लुकाई खड़ा ला इलाह इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलियम वलीला में लुकाई
तेरे दिल कांच तू ही दिया नरम जो बीबी दू सालू लिबास अलामा कंतूरी लिखे दू नहीं भिरा दी शहादत के बाद जितना अरसा दुनिया ते जिंदा रहिए अली दी धीडिया लिबास पसंद आखिरी टाइम वसीयत की थी सज्जाद में कुबे कफन की जरूरत नहीं मैं यही लिबास नाल दफनी सा इसे नाल मस्त शाबाश शाबाश थोड़ा जिया दिल नरम करो चा थोड़ा जिया नरम करो चा मैं दुआ दूंगा मैं सदके थी पोवा सदके थी पोवा शवर समझे को गैर महरम मस्तूर जनाब अब्दुल्ला में रुख बदला शवर दा कण करना 72 दी मौत भूल गई है आसमान दो रुख इसमत कर गया जे मेरे अल्लाह मैं चोखा जीवने शाबाश 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 वाह भाई वाह वाह भाई वाह दू मजालस बड़ी है गर्मी है उम्मीद नहीं सुर लग सी चंगा मगर आवाज सफाई में तो डुल्ला सुना रहे ना सदके थी को शवर द कंड करना ओ 72 दी मा तमदार मौत मंगी मेरे अल्लाह इस तू वडी केड़ी गुरबत हो सी मिंबर दी कसम है अब्दुल्ला धियां दो इच्छा है मैं नाराज हां बच्चियां दिन बाबा क्यों नाराज फरमाने जदा तुम्हारी मां आसी मैं शिकायत करे सा तड़प गया दिन बाबा गलती दल फरमाने टुर दे ले तो अकुआ का मेरे बाद कोई सवाल इल्तिजा न करे बाबा अधरा तेरे साए लाए फौरन खैरात ने के तोरे असे केड़ी शिकायत कै को इंतजार कराया दे फरमाने सामने मिट्टी ते कोई साइला बैठी है मैंने पढ़ना तो के द्वारा सुनना तो के बोलन तू पहले जान पियन आदे बाबा सुनया ने साइला नहीं साली अमड़ी है केड़ी नौ नौ घंटे शराबी नाल बुले दी रही है आदे मैं अली दीदी सदके 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 दुनिया ले शाबाश 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 सदके थी पोम सादा उस इलाके सादा दे दिया था जमींदारी भी सादा दिया इस इलाके च में जान सैकड़ा हजारों सादा उस मजले से माफी नहीं भाई बेवसी है यार किताब का नाम है बहूरुल गुम नवाब सैयद मुहम्मद अली खान लखनवी लिखण वाले कुर्बान थी को ए साइला ने यमड़ी है चा फरमाने मैं गुस्सा आ रयो मैं तुम्हारी मां तुम माजरत कर निंबर दी कसम है दिया दे सारे दी अब्दुल्ला हरम दे टुरना शुरू की है कच्ची दे मुकानियो दिल बेशक काबू कर मैं तो राजिया शिकायत न करे सा मामा दिया मैं न सुन दिया बैक बैठियन मैं हुक्मन खड़ा दम मौत कबूल कराए शवर दी तौहीन न कराए शवर दी इज्जत करना बीबी दी सुनना ते जितनी जो थकी हुई है शवर गुआंदा लिटल ताली में मिट्टी जो आदि अच्छा जे जाया जी आया भिरावा बोई वाला ये आदि अच्छा जे जाया लखा दा मजमा काफी नहीं हो गया चलो तुम्हारी मोहब्बत बिस्मिल्लाह कर नौकर चाचे जाया फिरावा मोहिदा सलाम रब दी कसम है जनाबे अब्दुल्ला दिल माजरा चांदा मैं पहचाने नहीं सुने जो बाजारा दरबारा दे सफरां दी थकी हुई है ज्यादा तकलीफ मेहरबानी कर मैं गुड़ा आखरी टाइम मेरे पुत्र जो टुरे आए कोई गलती थी आने या कोई ना
बीबिया दे चाचे जाया बच्चे सलाम बने देहानी बीबी का सलाम करना तड़प गया दिन बिया कुछ न पूछा सिर जुबानी सलाम न कर चादर चू हाथ कट के उमें मथे ते रख जिमें मेरी जोड़ी रखे हूं कसरत न सैयद बैठो बेबसी मासूस न कराए माफी दिवाए शवर का हुक्म आई बीबी चादर चू हाथ कटने शुरू की दिन अज मथे ते हाथ नायन पहुंचे अब्दुल्ला जान पे बीबिया दिया जे बहु प्यार आनी तो भेजे नहा आदर पुत्रा का दर्द नहीं तेरे हाथ बाहर आए मैं किसलिया ते निशान मैं तू पग लगे तू रसिया पागे बलार गई तू मैं तू पग लगे तू कैदन रही है तू शराबी नाल उतना अरसा तुझा मैं कुछ सुने इवे गल हुसैन के घर च बैठे तारी नजर च मैं कुछ जानता या इवें रिवायती दाके रहा यकीन नहीं वे मौला के घर च वादा करें नाराज नहीं सो पढ़ा रिवायत सबको पता मैं बगैर रिवायत नहीं पढ़ता अब बाल दी अलमत मेरा हाथ थे उन्हें मेरी जिबते फाल ढाई पोवे जो मैं अपने आप को कोई पलू ते देंदे जनाबे अब्दुल्ला फरमाते चाचे जाई मैं तेरिया किसनिया दिखी बीबिया दे चाचे जाया है तक इसनिया दिखिया नहीं परे हक में बांधिया मेरा सर दे शाबाश शाबाश मातम कर रही है मातम कर रही है तेरे घर दे ला के रहे बतन दे ला के रहे तेरे शाबाश 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 भैया तू जिंदगी दे रहे शाबाश शाबाश हौसला हौसला मुकान हौसला भाई हौसला बैठी है सैन अल्लाह की कसम है सैन बैठी है जनाबे अब्दुल्ला झोके दिखे मैं पहले कसम चवाई है आप तारीद की है मेरी जाकरी दी मुताले दी तत्ता में रिवायत दी जरूरत भी कर दो ते कोई जान ना तेरा जाकरी दा पकी दा ईमान की दे जान ना बेवसी है जो आप मजबूर की गई जनाबे अब्दुल्ला के झोके दिखे मेरी सैन दा सारा सर जख्मी गई आदम चाचे गई मैं कूड़ा साहब तेरा सर कहरी शहर नाल जख्मी होए बीबिया दे जड़े शहर बाजार चाइया पत्थरों की बारिश हुई है अब्दुल्ला फरमाने जे जक्की पत्थरों की बारिश होवे तो जख्म बराबर होवे ना मैं दिखे जो कुछ जख्म ढेर ने कुछ छोटे ने झिके ते वड्डे जख्मां दी वजह के है बीबिया दे जड़े छोटे जख्म ने पत्थरों दे जड़े वड्डे जख्म ने यहूदियां दी गली है शाम लगे जिथे रश ढेर असं तुर ना से सकदियां असं जान पौंदे